आ देश ना वीरलावतो महान थया पण आ देश मां जन्म देनारी मां पण एवी थई जेने पोताना संतानो ने आ देश ने माटे कुर्बान करी नाखे माटे भक्त आपने जे प्राप्ति थई छे हूँ तो एम कहू आ देश ने हजी महान बनावो ने जो मने मने हूँ कई चूंटनी वालो माणा नथी पण मने जे देखाय छे कहू छू नतर ओवळू मान छे पाछा मने देखाय कहू छू अहींया बेसीने सांभळनारने कहू छू गुजरातमां बेसीने सांभळनारने कहू छू रिलायन्सना माध्यमथी आखा देशमां सांभळी बेसीने सांभळनारने कहू छू मने जे देखाय ने कहू छू आ देश ने जो आबाद बनावो होय आ देशनी सामे कोई आंख ऊंची न करी शके एटलो महान आ देशने बनावो होय ने तो आ देशना राजा नरेंद्र मोदी ना हाथ मजबूत करवा ज पड़शे तमारे छूटको नथी एम छूटक्यो नथी आ समझो तोय भले ने काले समझो तोय भले फरीने कहू छू भक्तो હું આ પક્ષ આ પક્ષ આ પક્ષ એમાં હું એકેયમાં માનતો નથી મને તો આ મારા દેશનું જે રૂડું કરે ને એ જ મારો પક્ષ હોય છે આ દેશનું રૂડું બાકી કોઈ નહીં કરી શકે એની પાસે તાકાત છે અને ભક્તો લાલચ નથી સ્વાર્થ નથી સ્વાર્થી માણસ ક્યારે કોઈનું રૂડું ન કરી શકે અમારા મોદી સાહેબને એક લેશ માત્ર સ્વાર્થ નથી કારણ કે એને આગળ પાછળ કાંઈ ચિંતા નથી એને ચિંતા બસ મારો દેશ મહાન બને એક જ ચિંતા છે બાકી આગળ પાછળની કાંઈ ચિંતા નથી જેથી કરીને ભેગું કરે માટે રિક્વેસ્ટ જેટલા સાંભળતા હોય જો સુન રહે હો સબકો મેરી રિક્વેસ્ટ હૈ દુનિયા કે કોઈ ભી સ્થાન મેં સુનતે હો સબકો મેરી રિક્વેસ્ટ હૈ કે મોદી સાહેબ કા હાથ મજબૂત કરો મોદી સાહેબ કા હાથ મજબૂત કરો યાદ રાખજો ઇતના યાદ રખો लोकसभा में यदि उसका विजय हो गया तो मोदी साहब क्या नहीं करेगा क्या नहीं करेगा अभी उसकी छीट थोड़ी कम पड़ती है ठहराव प्रसार करना में वो बाधक बनती है इसलिए उसी का हाथ बंधा हुआ है यदि वो हाथ मुक्त हो गए और ये मुक्त करना अपने की हाथ है अपने हाथों की बात है और एक बार मुक्त कर दो बाद में देखो શરીર વ્યક્તિ ક્યાં કર સકતી હૈ શરીર વ્યક્તિ ક્યાં કર સકતી અને એમાં આપણા માટે તો ગુજરાતી છે આપણા માટે તો ગૌરવની વાત છે હિન્દુસ્તાનને જરૂર પડી ને ત્યારે એક ગુજરાતી સપૂત એવો કાચ્યો જેણે ભક્તો બોર્ડરો કાઢી નાખી મારા ગુજરાતને સિર્ફ મેરે ગુજરાત થી સુખી હો એસા નહીં મેરા પૂરા ભારત સુખી હો મેરા ભારત સુખી હો બસ પૂરા ભારત મેરા હૈ અને अपन को भी यही विचारधारा हो अपनी की भी यही विचार होनी चाहिए विचारधारा होनी चाहिए कि पूरा भारत मेरा है पूरा भारत मेरा है ये बात समझ के यदि हम आगे बढ़ेंगे तो क्या बात नहीं हो सकती ये हिंदुस्तान सोना की चिड़िया थी वो बात नहीं बनेगी सोना की चिड़िया बन के रहेगी यदि जो मोदी साहब का हाथ मजबूत किया जाए उसके पास जो दिमाग है मैं क्या बताऊं शायद मई जून में हम अमेरिका में थे उसी वक्त मोदी साहब अमेरिका में आए थे एक बहुत बड़ी कंपनी उसका मालिक उसने घोषणा की थी मोदी साहब की साक्षी में सब पार्लियामेंट सब बैठी थी और घोषणा की कि हमें अमेरिका को मोदी जैसे प्रेसिडेंट की जरूरत है अमेरिका को मोदी साहब जैसे प्रेसिडेंट की जरूरत है ओबामा ने भी एक बार ऐसा निवेदन दिया था कि मुझे भी मोदी साहब जैसा बनने की इच्छा है सोचिए अमेरिका का प्रेसिडेंट बोलता है कि मुझे मोदी साहब जैसे बनने की इच्छा है तब वही मोदी भगवान ने दिया है तो पूरा उसका लाभ उठाइए कभी कभी क्या होता है पता है आदमी तो मजबूत आता है मगर लोग उसे काम करने नहीं देते काम करने नहीं दे रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल भी ऐसा ही इतना ही मजबूत था मगर काम करने का मौका नहीं मिला मोदी साहब को मौका मिला है मगर मत बोलो अभी पूरा नहीं अधूरा है अभी पूरा नहीं अधूरा है यदि पूरा मौका मिल गया तो क्या नहीं होगा हिंदुस्तान में क्या नहीं होगा ये सब चिंता मिट जाएगी अभी चिंता यही है मुझे अमेरिका में जाना है मगर वीजा नहीं मिलता है मुझे इंग्लैंड में जाना मगर वीजा नहीं मिलता ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जाना मगर वीजा नहीं मिलता एक दिन ऐसा आएगा दुनिया की रेत ऐसे कहेगी कि हमें हिंदुस्तान में जाना है मगर वीजा नहीं मिलता सब यहां से वहां जा रहे हैं
मगर मोदी साहब का हाथ यदि मजबूत हो गया तो दुनिया को यहां आने की इच्छा होने लगेगी, इतनी ताकत है। सही बात बता रहा हिंदुस्तान के पास बहुत बड़ी ताकत है। थोड़ा बहुत गड़बड़ था, हिंदुस्तान के पास संपत्ति तो थी मगर सब तिजोरी में भर दिया गया था। वो सब तिजोरी भी मोदी साहब ने खोल दिया, इसलिए वो दिक्कत तो साफ हो गई। 500 और 1000 रुपए के जो नोट बंद की गई है, बहुत अच्छा डिसीजन है। सुनो, इसमें शायद 15 दिन महीनों हमको दिक्कत पड़ेगी व्यवहार में, मगर दिक्कत को मत देखो, अपने का मत सोचो, अपने देश का सोचते रहो, अपने राष्ट्र का सोचो, सिर्फ अपने का मत सोचो। सभी को कहता हूं जो सुन रहे हैं, सभी को कहता हूं अपने का मत सोचो। अपने का सोचने वाले तो स्वार्थी लोग हैं, अपने राष्ट्र का सोचो। यदि राष्ट्र सुखी तो संप्रदाय भी सुखी, राष्ट्र सुखी तो हम सब सुखी, और राष्ट्र सुखी, राष्ट्र आबाद तो हम सब आबाद बन जाए।